नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आया है आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी निकल कर आ रही है, तो आइए इसको पूरे विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि आज 15 मार्च से जो है कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे। उसमें जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को देखेंगे जी, क्या क्या जो है कि उनकी मांगें हैं, उस पर जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगें पूरी करेंगे वहाँ पर मुख्यमंत्री। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि ये खबर जो निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से जो है कि खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन जो है कि हड़ताल किया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसके बाद जो है कि ये आज जो है कि लगभग 8 से 9 दिन जो है कि हो गए, 15 तारीख से जो है कि ये हड़ताल जो है कि शुरू हुआ है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आज आएंगे। मुख्यमंत्री जो है कि कहाँ आएंगे, जैसा कि हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी जो है कि निमच में जो है कि निमच ज़िले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो हड़ताल किया जा रहा है वहाँ पर जाएंगे और उनकी मांगों को सुनेंगे जी, क्या क्या उनकी मांगें हैं, उसके बाद जो है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए खुद जो है कि मुख्यमंत्री जाएंगे। जो निमच ज़िले से जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है कि निमच ज़िले की जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं उनसे मिलने के लिए आज जो है कि मुख्यमंत्री आएंगे जो है कि। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ सकती है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि प्रमुख मांगें क्या क्या है कि उनकी मानदेय जो है कि 26,000 रुपया किया जाए और जो है कि रिटायरमेंट पे एक मुश्त जो है कि 5 लाख रुपया राशि दिया जाए कार्यकर्ता को, सहायिका को जो है कि 4 लाख रुपया और सहायिका को जो है कि 3 लाख रुपया और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को जो है कि 4 लाख रुपये की मांग की जा रही है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे मांग किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जब रिटायर हो जा रही हैं तो उनको जो है कि पेंशन बीमा भी जो है कि उनको दिया जाए और भी जो है कि उनके सेवा शर्तों में सुधार को लेकर जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 11 सूत्री मांगों को लेकर जो है कि धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें से अब देखने वाली बात ये है कि आज मुख्यमंत्री जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कितनी मांगों पर जो है कि सहमत होते हैं और कितनी मांगों को जो है कि मानते हैं और जो है कि आंगनबाड़ी की कितनी मांगें जो है कि पूरी होती है, ये आज जो है कि देखने वाली बात है। जो मुख्यमंत्री किस किस चीज़ की जो है कि घोषणा करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बात और कहा जा रहा है कि जब तक जो है कि सरकारी आदेश जो है कि हमको लिखित नहीं मिलती है तब तक जो है कि अपने धरना प्रदर्शन को बंद नहीं करेंगे। हम लोगों की धरना प्रदर्शन जो है कि अनिश्चितकालीन जो है कि धरना प्रदर्शन है और ये जो है कि चलता रहेगा, तब तक चलेगा कि जब तक हमको जो है कि लिखित कुछ लेटर नहीं मिलता है जो आप लोगों के मानदेय में वृद्धि को लेकर, पेंशन को लेकर, चाहे अन्य मांगे जो है उस पर जो है कि सहमति को लेकर जो अगर लिखित प्रमाण नहीं मिलता है हमको, तब तक जो है कि धरना प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये जो है कि मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में जो है कि धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, जिला कलेक्ट्रेट पे जो है कि ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं बस स्टैंड पे किया जा रहा है तो कहीं कुछ पे जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि लगातार ये धरना प्रदर्शन 15 मार्च से किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जो है कि धरना प्रदर्शन है, इसका लाभ जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आज मिल सकती है, मुख्यमंत्री कर सकते हैं घोषणा और इनकी मांगे पर जो है कि हो सकती है सहमति। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है जो कि हम आपको पूरे विस्तार से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ जो है कि न्यूज़ आती है अपडेट तुरंत पहले जो है कि आपको हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।